जी आज आ जाओ जल्दी आ जाओ आपका जल्दी जल्दा। तो हीरो की इंट्री अभी हो रही है, आओ आवा श्रीमान राजा सुसंगत मोचा। सौरभ मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। मैंने सौरभ का जन्मदिन पर क्या दिया था? कुकुर। अभी मेरे पास बैठा तुमने क्या दे रखा? ईंट का जवाब बता रहे यार। दोस्तों ये मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ। ये जो गिफ्ट सौरभ ने दिया है मुझे, और सौरभ ने जो जवाब दिया है पता नहीं, अब देखते हैं। सच में मुझे ऐसे कुछ ही आया मेरे लिए कि नहीं दिया है। हेलो दोस्तों, जय माँ काली। सिद्धपीठ काली मठ माँ काली को ध्यान कर दूँ, सभी भय बंधो सभी दीदी कुलों और सभी दौखण वलता मैं विनता राणा प्रणाम कर दूँ। तो दोस्तों अभी शाम की बज रही है 3 और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 3 बजे से। और अभी हम जा रहे हैं, मतलब अभी तो घर से निकल ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आगे का कुछ पता नहीं है मुझे। तो वैसे तो जा रहे हैं मायके, और आज वैसे खास दिन भी था, मेरा जन्मदिन है आज, और वीडियो पता नहीं कब आएगी। वैसे आज 29 नवंबर है और 29 नवंबर को मेरा जन्मदिन है, और मेरे को भी ना मतलब सुबह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, इतने सारे इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप इतने मैसेज आ रखे थे, और इतने लोगों ने मेरे को मेंशन कर रखा था, और बहुत सारे लोगों ने कॉलअप कर रखा था, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली फ़ोन भी किया। मतलब ऐसा होता है ना, कोई जो खास होते हैं वो फ़ोन भी कर लेते हैं कि मतलब विश करने के लिए, और बाकी कई लोगों का मैं आज फ़ोन भी नहीं उठा पाई क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी देना था। थैंक यू। आज मैंने भात भी नहीं बनाया, नाश्ता भी गुटी ने मतलब पकौड़ी वगैरह बनाई, नाश्ता गुटी ने बनाया और भात इन्होंने ना आज भोग में खाया भात, और मैंने ना वो जो नाश्ता खाया था भूल गया था। बाकी मैं ना लोगों को रिप्लाई करती ही रही दिन भर, तभी कोई मेहमान आ गए, तभी मेरी एक छोटी बहन है वो भी आ गई थी, उसकी शादी भी थी अभी, तो वो भी आज मंदिर आ रही थी, तो उनको चाय पानी पिलाया, फिर भैया आए थे उनको भी ऐसे बैठे उनके साथ, तो मंदिर में कोई ना कोई आता रहता है तो बैठे टाइम ऐसे में ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, कोई आए तो उनके साथ बैठना भी पड़ता है। तो बाकी अब जा रहे हैं हम ऊखी मठ जा रहे हैं, पता नहीं पुराना जी आज हमको केक खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। और हमेशा वैसे तो मेरे जन्मदिन पर केक तो मैं हमेशा काटते हैं, पता नहीं आज मुझे पता नहीं है। तो आप बच्चों का होता तो जन्मदिन आना वो ही एक्सपायर उन्होंने मुझे कर दिया आज। सुनो दोस्तों, आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आज इन्होंने मुझे बोला एक्सपायर हो गई बोला, तो एक्सपायर का मतलब तो आप समझते ही होंगे, तो ठीक है जैसे भी कहेंगे। वैसे मैंने बचपन में कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया था, तो मैंने शादी के बाद ही अपना जन्मदिन, मतलब जब तो फैमिली हमारी कम्प्लीट हो गई थी और सब कुछ सही हो गया था, तब अब मैं जन्मदिन हम ऐसे मना लेते थे। और ऐसे है ना, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि मतलब नहीं होनी चाहिए, कि अरे हम भी होते तो बचपन में ऐसे होता ये होता, ये सब मन में नहीं रहना चाहिए कि इंसान क्या है, ज़िंदगी 2 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी जियो और जो भी शौक़ होते हैं उनको पूरा करो बस, है ना, अपनी संस्कृति को बचा के चलो। बाकी ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्कृति के खिलाफ जाएंगे, तो ऐसे है कि थोड़ा देख के मन होता था तो हमने कर दिया, जब दुनिया भी करती रहती है ऐसा नहीं है, समझो इसको भी केक काटना मतलब एक छोटी सी खुशी होती है कि और क्या होता है। वैसे खाने का मन करे तो केक तो रोज ही मिल जाता है खाने के लिए, पर वो ऐसा होता है कि एक विशेष होता है कि उस दिन काटो केक और फोटो मेंशन करो, फोटो स्टोरी में लगाओ, एक ऐसा चीज होती है। तो देखो तो तब चलते हैं। और राणा जी का आज मूड कल सही नहीं है, काटेंगे केक काटेंगे इनका मूड कल केक काटने का टाइम होगा तो काट देंगे, टाइम नहीं रहेगा तो भाई क्या कर सकता हूं। तो टाइम तो जिंदगी भर नहीं रहता है वैसे, कभी कभी नहीं रहता ना टाइम, कभी कभी की बात करो तो आप टाइम इंसान के पास वैसे होता ही नहीं है, टाइम टाइम होता कहाँ है, टाइम तो चलता रहता है ना, टाइम तो रुकता नहीं है इंसान, वो तो निकालना पड़ता है। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर समस्या हो रही चल रही है, कैसा होगा था देखते तो दोस्तों आप भी देखते रहना कि क्या होता है। आज बहुत मतलब भारी मन से हो रहा है, तो मैं फोर्स नहीं करूँगी ज़्यादा, अगर होगा उनका मन तो काटेंगे केक, नहीं तो होगा तो नहीं काटेंगे, बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ। भारी मन से चल रहे हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए,
और वैसे मेरा मन करेगा तो मैं भी खरीद लूंगी अकेले ही, ऐसे जाऊंगी दुकान में केक ले लूंगी, पर कोई और खिलाएगा तो वो खुशी अलग ही होती है ना। ये देखिए बकरियां यहाँ पे चल रही हैं, चल रही घास, चलते हैं अब सफर में आगे, बने रहे हमारे साथ और केक काटेंगे तो आप लोग भी देख लेना, चख लेना देख के। और कुंड का जो क्या बोलते हैं इसको, झील, झील कुंड के जो डैम है वो इस तरह से पूछकर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ उखी मठ के ठीक नीचे जहाँ बोलते हैं जैवरी, और यहाँ पे एक होम स्टे भी है जैवरी बासा, और बाकी यहाँ पे रहती है अंता दीदी, तो अंता दीदी को हम यहाँ पे रुक रहे हैं और वो आ रही है यहाँ नीचे से, तो देखते हैं कितना टाइम लगाती है, वो भी उखी मठ रहती है तो यहाँ उनकी ड्यूटी है। तो मैंने कहा जब मैं बाजार जा ही रही हूँ तो उनको लेके भी चलते हैं, तो मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला मैं आ रही हूँ, तो हमको यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए तो कहीं नहीं आई अभी, देखो रुकते हैं कब तक पहुंचती है। उनको इस वाले रास्ते देख रही हूँ, और ये इस वाले रास्ते से आ रहे हैं, मैं उस वाले रास्ते में देख रही हूँ है? एक रास्ता यहाँ है एक रास्ता वहाँ है, मैं जल्दी जल्दी आई, मैंने कहा मेरी बुली इंतजार कर रही है मेरा, हाँ इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आई। जय माँ काली। और साथ में मेरा जन्मदिन में अब बोलो तो फोन पे बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे बुली, प्रणाम। हाँ तो माता भी ठीक छे, और ठीक छे, मैंने कभी नहीं तारुक रही है मेरे को, आ दोते कम होता जान तुम चल। तो हम आ गए हैं उखी मठ पे और अचानक हमको यहाँ बाहर पे दिखाई दे रहा है सौरभ पवार, वो जाना पहचाना दिखाई दे रहा है, जाना पहचाना दिखाई दे रहा है भाई साहब, आपको जान दे हैप्पी बर्थडे अमरूद। तो यहाँ पे दीदी ने मेरे को दिया है अमरूद, बहुत ही मीठा है, इसमें ना बिल्कुल बीज भी नहीं है यार, यहाँ इतना खा लिया मैंने वो कुछ बीज ही नहीं है, ये दीदी लाई मेरे को जन्मदिन का गिफ्ट है ये बुए। सो क्या दोस्तों देखो सौरभ अपने जीजू को किस तरह से बुला रहा है, सोनी देखेगी तो ऐसे मारेगी ना इसको, देखो हम आ गए हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं चित्रलेखा फोटो स्टूडियो जो भी हमारा बचपन का, जहाँ पे हम फोटो वोटो खींचते थे, यहाँ पे मेरा प्यारा सा लड्डिया, हैप्पी बर्थडे दीदी, आज मैं इसको गिफ्ट मांगने आ रही हूँ इसके पास, ठीक है आज गिफ्ट मिलेगा दीदी को, हाँ पर लैपटॉप मिलो लमिता ड्रोन आप देखा लैपटॉप ड्रोन के क्या मिल दो भाई, यहाँ पे प्रिया वीडियो कॉल में है, दिखा 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 बर्थडे वही से जब अपन भागी प्रिया मुकुलो दिखो जाड़ी है, यहाँ पे पहली बार मेरे बर्थडे पे मेरे भाई भी आ गए हैं नितेश भैया, तो बोलते हैं ना आइए देख अखिलेश पे नितेश पे अखिलेश नितेश तो श्रीनगर कैंडल ना अलग है गालो का है यहाँ यो जान अजीत जान तो बहुत बड़ी जान का हमें जबरदस्त बड़े हुआ ये देखो मेरे साथ हमेशा गुड्डी रहती है और के खाने के लिए दीदी आ गई खाने खाने वाले दाने दाने पे बरकाने वाले का नाम नी लाइटर लेके मैंने सोचा कि मतलब मी जाने के मोदर है बेटा चली सी दौड़ी जी करना तो मैं वैसे हमें एक्सपायर भी बतवा।
चलो जज बिना जज का बिना जज का जज को फोन किया जाए जज जी हाजिर हो कौन जज जी चलो कहाँ गया जीजू आ जाओ जल्दी आ जाओ आपका जल्दी जल्दी तो हीरो की इंटरव्यू हो रही है आओ आवाज़ श्रीमान आधारित राजा सुसागता मोचा तुम्हारा बना यून केक नहीं काटी जी घंटे पे इंतजार करना चिन मैं तो देखूं आओ ये लग रहा पुराना नहीं होता ऐ है पहले आपको फिर तो लगावा दो ये ना पर ठगवाने यार है जय बिंदी हम तक नहीं बोल सकते करें सुवानी जी हाय हाय मजा आई बे खेलो ना कि खेलो यस मनी और सब भी खेली उन पे था नहीं दवाई ये कौन पूछे ये गूगल पे करा बताओ गूगल पे खाना अब बोलो बहुत-बहुत बधाई सब काम है जिसका नहीं मेरा है अच्छा तो बहुत बहुत आपको तो हमने फेसबुक पे दी होगी पर दी नहीं होगी शायद धन्यवाद चलो खा ले दे बात खा लो आ सौरभ अब करेगा अपनी चाल पे आएगा सौरभ चाल ना बहस वाली चाल पे क्या सामने खरे जाना पीनू खान से पीनू खान जाना है बहस कुटुरी बे यार मैं गाड़ तो क्या हूं सौरभ मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है मैंने सौरभ का जन्मदिन पे क्या दिया था कुकुर अभी मेरे पास तुमने क्या दे रखा ईट का जवाब पत्थर से फिर से बोला ईट का जवाब पत्थर से मैंने इसको कुकुर दिया इसने शायद बिराला का फोटो दिया होगा और क्या दे सकता है नया ठीक है तो यहाँ से दीदी जा रही है अपने रूम पे क्योंकि इनका रूम है यहाँ नीचे बाजार में और हम जा रहे हैं चुन्नी मार्केट में भी लाइट जला दी है हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है और यहाँ लाइट जल चुकी है और हम निकल चुके हैं घर के लिए अभी मतलब मायके चुन्नी के लिए तो ओखी मटके बाजार में आके ना अब बचपन याद आ जाता है कभी हम बचपन में यहाँ इस तरह से यहाँ पे रहते थे पर तब ना इतनी सारी दुकानें नहीं हुआ करती थी तब इतनी सारी दुकानें नहीं थी क्या अब बहुत बड़ा मार्केट हो गया है
कपा पहुंच चुके हैं हम अपने चुन्नी गांव में। देखिए चुन्नी भी मैं भी ओके मट जैसे मार्केट दिखाई दे रहा है वो बैज। सौरभ ने दिया है मुझे और सौरभ ने जो जवाब दिया है पता नहीं अब देखते हैं सच में उसने ऐसे कुछ ही आया मेरे लिए कि नहीं दिया है। उसने दिया है यहाँ पे राधा कृष्ण और बहुत ही खूबसूरत। वैसे मैंने उसको टेडी बियर वाला डॉगी दिया था तो उसने बोला ईंट का जवाब पर वैसे कुछ नहीं था वो मजाक कर रहा था मुझे पता है वो बहुत मजाक किया है। और ये बहुत ही अच्छी राधा कृष्ण की फोटो है तो ये मैं यहीं यहाँ मायके में खोल रही हूँ। थैंक यू सौरभ अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो वैसे सौरभ देखता नहीं है पर स्किप करके देखे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे को शुभकामनाएं दी हैं फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जहाँ जहाँ भी दिए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से धन्यवाद। ऐसे तो रिप्लाई दे दिया है पर जितने लोगों को नहीं दे पाई हूँ उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ यूट्यूब चैनल अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं और बाकी आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अब नाश्ता पानी खाना बना डिनर वगैरह बनाते हैं और तब खाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय माँ काली।